नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की कल बेउर जेल से रिहाई हो गई है। बता दें आपको कि AK-47 मामले में साक्ष्य के अभाव में ये रिहाई हुई है। जहां एक तरफ पूरे समर्थकों में खुशी का माहौल है, तो वहीं कईयों के बीच ये सवाल है कि आखिर ये रिहाई किस तरह से हुई। तो आपको इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी दिए देते हैं। दरअसल अनंत सिंह को AK-47 मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया है, लेकिन उनकी रिहाई के बाद जिन बातों की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वो वैलेटरी रिपोर्ट की, जिसे महज आधे घंटे में बनवा लिया गया। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने 172 केस में बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई है। इसमें एक केस तो बाढ़ के लदमा में अनंत सिंह के पैतृक आवास से AK-47 और 26 कारतूस और 2 ग्रेनेड की बरामदगी का था। वहीं दूसरा केस था पटना में अनंत सिंह के विधायक आवास से इंसास राइफल की 6 गोलियों और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने का। अब इस केस में असली रिहाई की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पुलिस ने AK-47 केस की जांच में भरपूर लापरवाही बरती, तो इंसाफ राइफल गोली और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में तो अनुसंधान के नाम पर सत्यानाश कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस केस में भी निचली अदालत का फैसला पलट दिया और अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया। सबसे पहले मोकामा के पूर्व विधायक के पटना आवास पर 24 जून 2015 को छापा मारा गया। पुलिस को कहा गया कि ये रेड बाढ़ थाना में दर्ज एक केस में कोर्ट से जारी तलाशी वारंट के आधार पर मारा गया था, लेकिन कोर्ट के अंदर इस वारंट की मांग की गई तो पुलिस वारंट पेश भी नहीं कर सकी थी। इसके बाद सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि पुलिस ने बाढ़ के जिस वारंट की तालीम के लिए रेड मारा, उसमें कोई बाढ़ का पुलिस अफसर ही नहीं था, जबकि कायदे से दूसरा थाना क्षेत्र में रेड के लिए बाधित थाना का कोई अधिकारी वारंट के साथ जाता और लोकल थाना सहयोगी की भूमिका में होते, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में पुलिस की असल किरकिरी तो तब हुई जब पता चला कि पुलिस ने केस में अनंत सिंह को रेड के दौरान विधायक के तौर पर उन्हें मिले सरकारी आवास में मौजूद बताया और ये भी दावा किया कि अनंत सिंह ने सीजर लिस्ट पर दस्तखत करने से मना कर दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि अनंत सिंह बिहटा थाने के एक केस में जेल में बंद थे और इस केस में उनका रिमांड हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने माना कि ये छापा और तलाशी अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में हुई है। उधर पुलिस AK-47 केस की तरह इस केस में भी ये साबित कर पाई कि अनंत सिंह को विधायक आवास में छुपा कर रखे इंसाफ राइफल के कारतूस या बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में उनके पास कोई जानकारी थी ही नहीं। हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ अनुसंधान गड़बड़ नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष भी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। सीजर लिस्ट और बरामद सामान को सील करने के जगह और समय को लेकर पुलिस अफसरों के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी निकले। रेड में शामिल रहा अफसर भी अपने बयान से पलट गया। कोर्ट ने इस बात का भी नोटिस लिया कि इंसाफ राइफल की बरामद गोलियों की रिपोर्ट मात्र 35 मिनट में तैयार हो गई। कोर्ट ने पूछा कि किस वैज्ञानिक तरीके से कारतूस की जांच की गई कि 35 मिनट में जांच भी हो गई और उनकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई। बता दें आपको कि अनंत सिंह फिलहाल बेउर जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन जहां एक तरफ समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया क्योंकि फूल माला लेकर लोग उनके स्वागत में निकले थे, तो वहीं कईयों के मन में ये सवाल था कि आखिर ये रिहाई जो है वो किस तरह से हुई, क्योंकि कई मामले में वो जिस तरह से लगातार जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन एक बार फिर ऐसी खबर आई कि वो जेल से रिहा हो गए हैं और रिहा के पीछे की कहानी क्या थी वो हमने आपको बताया। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ।